रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, नमस्कार जी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आपके साथ कुछ बात करनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप खुद का भी ध्यान रख रहे हैं और हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों का भी आप ध्यान रख रहे हैं। घर में, घर के आसपास हम सफाई को मेंटेन कर रहे हैं और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनका भी हम सभी पालन कर रहे हैं, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ। अगली बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा को लेकर। बच्चों की शिक्षा जो बच्चों के वर्तमान को का निर्माण करती है, बच्चों के भविष्य का निर्माण करती है, ये तभी संभव हो सकती है अगर इसमें निरंतरता रहे। ये निरंतरता रहनी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर समय समय पर हम सबका इम्तिहान लेता है, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और उनके ऊपर विजय हासिल की है। इसी तरह से हम अध्यापक भी समय समय पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और उनके ऊपर विजय हासिल करते हैं। चुनौती कैसी भी रहे, ना तो आपने और ना ही हमने कभी भी अपने बच्चों के ऊपर कोई आँच नहीं आने दी। तो बच्चे जो हैं उनकी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखा जाता है। आप घर पे ध्यान रखते हैं और हम बच्चों की पाठशाला में, बच्चों के विद्यालय में, बच्चों के स्कूल में उनकी हमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से उनकी निरंतरता बनी रहती है। शिक्षा में जब ऐसे कोई ब्रेक आ जाता है तो शिक्षा की लड़ी टूट जाती है। जब लड़ी टूट जाती है निरंतरता खत्म हो जाती है और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो एकदम से रुक जाती है। ये गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस को चलाया जा रहा है। पहले भी चलाया जा रहा था हमारे स्कूल में। आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम इस निरंतरता को टूटने नहीं देते। यहाँ तक कि जब बच्चों के इम्तिहान आते हैं तो हम अपने स्कूल में छुट्टियाँ नहीं करते, बल्कि उन इम्तिहानों के लिए स्कूल में बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन भी शुरू हुआ, बच्चे अपने घरों पर हैं, तब भी ऑनलाइन टीचिंग का सिलसिला चलता रहा और बच्चे अपने खाली समय का बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग करें उसके लिए स्कूल हमेशा उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी देता रहा, उसको उनको गाइड भी करता रहा और उनकी हौसला अफजाई भी करता रहा, उनका प्रोत्साहन भी करता रहा और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मैं समय समय पर यह महसूस करता हूँ कि जो माता पिता हैं जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो अक्सर जो स्कूल के प्रति, अध्यापकों के प्रति, हम सबके प्रति जो उनका विश्वास होना चाहिए वो मैं समझ नहीं पाता कि वो क्यों डगमगा सा जाता है। जब मैं ये चीज़ ऐसे मैसेजेस अध्यापकों के पढ़ता हूँ कि भाई हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो इससे ये जाहिर होता है कि शायद वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते। तो अगर भरोसा है तो ही शिक्षा संभव है, और भरोसा नहीं है उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। जो अध्यापक अपने परिवार को एक तरफ रखकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, घर में भले ही वो घर पे रहते हैं, भले ही वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद वो अपने परिवार को उतना समय नहीं देते जितना कि वो स्कूल में हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए अपना समय निकालते हैं, तो वो समय निरंतर वो निकाल रहे हैं। ऐसे अध्यापकों की फर्ज की भावना के ऊपर कोई सवालिया निशान लगाना, कोई प्रश्न चिन्ह लगाना, ये मेरे मुताबिक तो ठीक नहीं है। अगर वो इस वक्त जबकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तब वो पूरी तरह से बच्चों के प्रति समर्पित हैं, अपने जब इम्तिहान होते हैं तो छुट्टी वाले दिन भी वो बच्चों को यहाँ पर आने के लिए पढ़ाते हैं कि अपने घरों से चलकर आते हैं, तब भी बच्चों के प्रति उनका समर्पण जो है वो एकदम अपनी जगह पर स्थिर रहता है, फर्म रहता है। ऐसे अध्यापकों की इंटेग्रिटी के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर, बच्चों के प्रति उनके समर्पण के ऊपर कोई सवालिया निशान आपको नहीं लगाना चाहिए और किसी भी प्रकार का फिक्र आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्कूल की है और स्कूल
उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। जब तक हमें लगेगा कि हम बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाएंगे। इस बात के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, लेकिन उनकी टीचिंग, उनकी क्लासेस, उनकी शिक्षा, उसमें निरंतरता लगातार बरकरार रहेगी। बच्चों को होमवर्क दिया गया है छुट्टियों में करने के लिए, वो भी निरंतरता को बरकरार रखने के लिए दिया गया है। और आपसे यही निवेदन है कि आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि बच्चे अपना होमवर्क बड़ी ईमानदारी के साथ करें। जो स्कूल की तरफ से मैसेजेस जाते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए भी निवेदन है कि आप बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनको इंकरेज करें कि वो इन एक्टिविटीज़ में भरपूर भाग लें और अपनी झिझक से, अपनी हेजिटेशन से बाहर निकले, और वो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। और बच्चों का उत्साह बरकरार रखें। कुछ मैसेजेस मुझे ऐसे भी आए हैं कि बच्चे बहुत उदास हैं, कि हमारा स्कूल नहीं लग रहा है। ऐसे बच्चों को प्लीज़ हमारी तरफ से ये संदेश दें कि बच्चे, स्कूल आपके साथ जुड़ा हुआ है, स्कूल के सभी अध्यापक आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी अपनी स्पिरिट्स को लो ना करें जी, अपने आप को चढ़ती कला में रखें, अपना उत्साह बरकरार रखें जी, बिल्कुल भी डामाडोल ना हो, क्योंकि सभी अध्यापक उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं वो आगे भी चलती रहेंगी, उसके लिए भी प्लीज़ आपसे निवेदन है कि बच्चों को कहें कि वो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। आखिरी बात, स्कूल जो है चलेगा, अवश्य चलेगा, और बहुत उत्साह के साथ सभी काम करेंगे। आपसे मेरा एक बार फिर से सभी ने निवेदन है कि जहां स्कूल बच्चों के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, वैसे ही जो स्कूल में इतने लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी आया लोग हैं, हमारे गेट कीपर्स हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारे माली हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, वो भी अपना काम उत्साह के साथ करें, उनके उत्साह में भी बिल्कुल कहीं पर भी कोई कमी ना आए और उनकी सरणी समय पर उनको मिलती रहे, वो तभी संभव है अगर आपकी जो स्कूल की फ़ी है, अगर आप उस फीस को समय पर जमा करवाएं। स्कूल आपको पूरा सहयोग दे रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सालाना खर्चे जो है वो जमा करवाएं, हम केवल आपसे महीने की फ़ीस मांग रहे हैं। अभी भी केवल 40% या 45% पेरेंट्स हैं जिनकी अप्रैल महीने की फ़ीस आई है, बाकी पेरेंट्स ने वो भी फीस जमा नहीं करवाई है। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी राशि नहीं है जी, हम अपने रूटीन के खर्चे जहाँ पर उनको मैनेज कर रहे हैं जी, वैसे ही हमें ये खर्चे भी कर देने चाहिए, क्योंकि इसी के साथ बच्चों की शिक्षा में निरंतरता जो है वो बरकरार रह सकती है। जब अध्यापकों का उत्साह ही नहीं रहेगा तो वो एजुकेशन कैसे इम्पार्ट कर पाएंगे। मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा पेरेंट्स से कि जब मैं फीस के लिए कोई निवेदन कर रहा हूं, इसको ये बिल्कुल ना समझा जाए कि हमारे मन में कोई किसी प्रकार का लालच है, या ये स्कूल जो है ये कोई मुनाफाखोरों का स्कूल है। ये बाल भारती ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक महान ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर लालच के लिए या कोई निजी जेबें भरने के लिए फीस नहीं ली जाती, बल्कि बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए ही फीस ली जाती है। यहाँ पर सरकार की तरफ से हम कोई एड नहीं लेते, हमें कोई सहायता नहीं मिलती। जो फीस आप देते हैं वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर ही खर्च की जाती है, कोई हम अपना बैंक बैलेंस नहीं बना रहे हैं। केवल बच्चों की शिक्षा को उच्च कोटि की हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये फीस आपसे मांगी जाती है। तो कृपा करके ये फीस जमा करवाएं। आप ऑनलाइन भी फीस जमा करवा सकते हैं और स्कूल में आकर भी फीस जमा करवा सकते हैं। चेक के साथ फीस जमा करवाना चाहें तो भी ली जा सकती है, और अगर आप कैश देना चाहें तो भी स्कूल में वो फीस ली जा सकती है। स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो उपलब्ध है, और 8 तारीख से स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो भी शुरू हो जाएंगी जी। कृपा करके स्वयं का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें जी, और स्कूल के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी।